गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को दिल से शुक्रिया, क्योंकि भाई इतनी बिजी लाइफ होने के बावजूद भी आप लोग अपना कीमती टाइम निकालकर मेरी वीडियोस देखते हो, उन्हें लाइक करते हो और कमेंट्स करते हो, तो ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। और जब आप लोग वीडियोस पर इतना प्यार देते हो तो भाई मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस, हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे पावरफुल डॉग ब्रीड में से एक, जो है डोगो अर्जेंटिनो। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई डोगो अर्जेंटिनो उनमें से नहीं है जिन्हें आप लोगों ने परचेज किया, घर ले गए और बांध के छोड़ दिया। तो अगर कभी भी ऐसा आप लोगों ने इस ब्रीड के साथ किया तो भाई आगे चल के आप लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि भाई इस ब्रीड के साथ आप लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें कंस्टेंटली ट्रेन्ड एंड सोशलाइज करने के लिए। क्योंकि शायद आप में से काफी लोगों को ये बात पता ना हो कि इनके अग्रेशन की वजह से ये 13 कंट्रीज में बैन है, जहाँ पर आप लोग डोगो अर्जेंटिनो को नहीं रख सकते। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी फैमिलीज के लिए अग्रेसिव हो जाएं। भाई अपनी फैमिलीज के लिए डोगो अर्जेंटिनो हद से ज्यादा लॉयल होते हैं और ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भाई किसी से भी भिड़ जाते हैं, फिर सामने कोई भी हो, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो एक फियरलेस डॉग ब्रीड है जो किसी से भी नहीं डरते। वैसे कुछ भी हो, डोगो अर्जेंटिनो का एक अलग ही क्रेज है, वो चाहे फिर इनकी सिक्योरिटी की वजह से लगा लो, या शो ऑफ करने की वजह से, या फिर इनके पावरफुल होने की वजह से। एंड शायद आप में से काफी लोगों को ये ना बताओ कि इनका जो बाइट प्रेशर है वो 500 पाउंड पर स्क्वायर इंच है, जो कि जर्मन शेफर्ड, पिटबुल या रॉटवेलर से कहीं ज्यादा है। और भाई मजा तो तब आता है जब ऐसी पावरफुल डॉग ब्रीड हो और साथ में क्वालिटी आप लोगों को जबरदस्त मिल रही हो, जैसे कि आप लोग इन पपीज को देख रहे हैं। जी हाँ गाइस, पपीज सुपर्ब क्वालिटी में है और इनके कोट में आप लोगों को दूसरे किसी भी कलर का कोई भी स्पॉट नहीं दिखेगा, बिकॉज पपीज प्योर व्हाइट कलर में है। और हाँ दोस्तों, उन्होंने इन पपीज की फर्स्ट वैक्सीनेशन भी करवा दिया है, तो जब आप लोग इन्हें परचेज करने जाओगे तो साथ में आप लोगों को इनका कार्ड भी मिल जाएगा। तो गाइस, पपीज तो आप लोग देख ही चुके हैं जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी में है। तो अब बात करते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। तो गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इन पपीज के फादर हैं जो कि फैंटाबुलस क्वालिटी में है और ये इम्पोर्ट के डायरेक्ट सन है, और ये है इन पपीज की मदर और इसकी क्वालिटी भी भाई एक्सीलेंट है और ये चैंपियन की डॉटर है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतनी अच्छी ब्लड लाइन होने के बावजूद भी उन्होंने इनका प्राइस बहुत ही डिसेंट रखा है। तो अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज 38 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। एंड दोस्तों, ओनर जो है वो आप लोगों को अप टू 50 किलोमीटर तक डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप लोग डिलीवरी को अवॉइड करके डायरेक्टली ओनर के पास जाकर इन्हें परचेज करें, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो फाइनली अगर पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज तो भाई A1 क्वालिटी में है। एंड उन्होंने जो इन पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 28,000 पीस 28,000 रुपए, एंड फीमेल की है 24,000 पीस यानी 24,000 रुपए। एंड दोस्तों, ये जो प्राइस है ये भी नेगोशिएबल है, तो आप लोग डॉग ओनर से बार्गेनिंग करके भाई प्राइस कम करा सकते हो, तो आप लोगों को ये डॉग्स काफी अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो जल्दी मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।